नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब खबरें विस्तार से। सामाजिक सरोकार और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एडीएम आलोक श्रीवास्तव ने आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय पहुंचकर हर साल की तरह इस साल भी रक्तदान किया और उनके परिवार ने नवजात शिशुओं को कंबल वितरित किए। नगर निगम के सभाकक्ष में आज निगम कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चर्चा हुई। छिंदवाड़ा जिले के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने आज अपने छिंदवाड़ा प्रवास के दूसरे दिन आदिवासी बाहुल्य अंचल छिंदी पातालकोट की वादियों में बसे गांव में 3 जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाया। इस दौरान कमलनाथ के स्वागत में बहुत भीड़ नजर आई। अपने उद्बोधन में भाजपा की जन विरोधी नीतियों पर कटाक्ष करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार का मूल मंत्र है जोर से बोलो और झूठ बोलो, क्योंकि इनकी आंखों में दिखाई नहीं देता है और कानों में सुनाई नहीं देता है, ये लोग केवल मुंह चलाने में माहिर हैं। वहीं ग्राम खेरैटी में आयोजित जनसभा में ग्राम चोर डोंगरी के अनेकों युवाओं ने गोंडवाना पार्टी छोड़कर कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सांसद कमलनाथ ने जिले की साहित्यिक सांस्कृतिक और अग्रणी शैक्षणिक संस्था हिंदी प्रचारिणी समिति के प्रतिनिधि मंडल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों की प्रतिनिधि संस्था हिंदी प्रचारिणी ने जिले के साहित्यिक उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संस्था के मंच से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों ने जिले के सुधी श्रोताओं को संबोधित कर एक इतिहास रचा है और हमें इस बात पर गर्व है। इसके बाद सांसद कमलनाथ ने हिंदी प्रचारिणी परिसर में भवन निर्माण के लिए व्यक्तिगत तौर पर 5 लाख रुपए निधि समिति को भेंट की। इसके अलावा उन्होंने आज अपने निवास स्थित कार्यालय में जिला छीपा समाज के पदाधिकारियों से भेंट कर उन्हें छीपा समाज सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि भेंट की। युवती से छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपी युवक की परिजनों और राहगीरों ने सरेराह पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक आए दिन युवती से छेड़छाड़ करता था, जिसकी शिकायत युवती ने अपने परिजनों से की थी, जिसके बाद ईएलसी चौक पर परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आनंद विभाग द्वारा बनाई गई नेकी की दीवार पर अब निगम और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ना तो यहाँ सफाई हो रही है और ना ही सामान रखने की कोई व्यवस्था है, जिसको देखते हुए शहर के युवा आगे आए और उन्होंने खुद सफाई की। अमरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे हुए 3 ट्रकों को पकड़ा, जिसमें बजरंग दल के सदस्यों की भी अहम भूमिका रही। मुखबिर की सूचना को आधार बनाकर अमरवाड़ा थाना प्रभारी अनिल सिंघई ने अपनी टीम के साथ घेरा डाला। इसमें बजरंग दल के अमरवाड़ा के कुछ सदस्यों ने भी पुलिस की मदद की। इस दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।